हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बॉली टॉली दिल से। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सलमान की वायरल हुए वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है, पूरी खबर हम आगे चल के आपको बताते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। सलमान खान की शूटिंग करते हुए वीडियो हुआ वायरल, क्या ये वीडियो एक्चुअल में कभी ईद कभी दिवाली की शूट से है। बॉलीवुड का दबंग स्टार जो हर वक्त सुर्खियों में बना रहता है, चाहे वो फिल्म की वजह से हो या चाहे वो किसी कंट्रोवर्सी की वजह से हो। दोस्तों, हम जानते हैं कि भाईजान हर वक्त सुर्खियों में बने ही रहते हैं। फिलहाल तो वो अपनी आने वाली मूवियों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि आने वाली टाइम पे वो एक से बढ़कर एक मूवी लाने वाले हैं। इस फिल्म में कभी ईद कभी दिवाली, नो एंट्री 2 एंड टाइगर 3 जैसी बड़ी फिल्में शामिल है। रिसेंटली सलमान की एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है खूब तेजी से, एंड इस वीडियो में सलमान ने सफेद घोड़े के साथ में सफेद कुर्ता पहने हुए और गले में सफेद कलर का स्कार्फ पहने हुए नजर आए हैं। एंड इस पूरी लुक को सलमान खान ने ब्लैक शूज के साथ में कंप्लीट किया है। रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा है कि सलमान की ये वीडियो भाईजान मूवी से है, एंड ये साफ साफ बोल दिया गया है कि ये सलमान की मूवी कभी ईद कभी दिवाली की शूट नहीं है, बल्कि ये वीडियो एक्चुअली आईफा अवार्ड का प्रोमो का शूट करते हुए है। कुछ लोगों का मानना है कि ये सेम लुक सलमान खान अपनी आने वाली मूवी भाईजान में कैरी करने वाले हैं। जो भी हो, इस वीडियो में सलमान खान बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। बहरहाल इस सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।